गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त अंकुश शर्मा स्वागत करता हूं बिल्कुल एक और फ्रेश एपिसोड में इनोवेटर अंकुश शर्मा के। और आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग इस बिजनेस में एंटर कब करेंगे, लोग इस बिजनेस में एंटर क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो आपको पता है, वो यूट्यूब भरा पड़ा है। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा कि लोग आपको ज्वाइन या इस इंडस्ट्री में आएंगे कब। तो इसकी शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव हाई कंटेंट हाई वैल्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो दबा के लाइक और दबा के कमेंट डालिएगा इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि लोग इस इंडस्ट्री में एंटर कब होंगे, लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कब करेंगे। सो इसकी शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। मान लीजिए आप बैठे हैं एक ट्रेन में, थर्ड एसी में, और आप अभी एंट्री किया, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ अभी एंटर किए थे और बैठे वहां पे कंफर्टेबली, और सामने से टीटी आया, कहता है सर आपकी जो बुगी है वो जो आपका डब्बा है उसको चेंज, आप नेक्स्ट में चले जाएंगे क्या? तो आप चांसेस हैं कि ना कर दें कि मैं अगर कंफर्टेबली बैठा हूं तो मैं नेक्स्ट डिब्बे में क्यों जाऊं जब मैं यहां पे कंफर्टेबली बैठा हूं। तो अब क्या होगा, आप दूसरी सिचुएशन देखते हैं। आप बैठे हैं वहां पे कंफर्टेबली, लेटे हैं बढ़िया तरीके के साथ, और वहां पे आता है टीटी और कहता है सर आपका जो बॉक्स है वो नेक्स्ट शिफ्ट कर दें क्या? तो अब आपके चांसेस हैं कि आप फिर से ना कर देंगे, जाऊं क्यों? वो कहता है सर नेक्स्ट डिब्बा जो है वो फर्स्ट एसी है, मतलब अगर आप नेक्स्ट डिब्बे में जाएंगे तो आपको फर्स्ट एसी का आप अनुभव ले सकते हैं। तो अभी क्या 50-50% चांसेस है कि आप शिफ्ट हो भी जाएंगे। अब मान लीजिए बहुत ही कंफर्टेबली आप बैठे हैं, आपको नींद बहुत बेहतरीन आई हुई है, आप बिल्कुल सेटिस्फेक्शन के साथ वहां पे बैठे हैं, और अब आप नेक्स्ट डिब्बे में जाना, आपको पता, आपको ये लग रहा है कि मैं नेक्स्ट डिब्बे में जाऊंगा तो वो मेरा कंफर्ट लेवल लो होगा, चाहे वो फर्स्ट एसी है, तभी आप कहेंगे मैं थर्ड एसी में यार संतुष्ट हूं, मेरे को जाना नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर आप थर्ड एसी से वहां पे मूव होना चाहते हैं, आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपने आपको, देन आप शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो आप वहीं पे कंफर्टेबली बैठेंगे। अभी फिर से वही टीटी आता और कहता सर नेक्स्ट डिब्बे में आप शिफ्ट हो जाइए, नॉर्मल स्लीपर क्लास है, अभी आप थर्ड एसी में बैठे हैं लेकिन अब आप नेक्स्ट स्लीपर क्लास में शिफ्ट हो जाइए। तो आप कहेंगे बेवकूफ आदमी है क्या, मैं थर्ड एसी में से स्लीपर क्लास में क्यों शिफ्ट हूं जब मैं बढ़िया तरीके से यहां पे बैठा हूं, तब भी नहीं आप शिफ्ट होंगे। लेकिन अगर उसी वक्त टीटी आपसे कहे कि सर जिस डिब्बे में आप बैठे हैं इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपको प्रॉब्लम, आपके परिवार को चोट लग सकती है, नेक्स्ट पैसेंजर डिब्बा है, आप प्लीज उसमें शिफ्ट हो जाइए, आपकी फैमिली और आपकी सेफ्टी के लिए हम ये कह रहे हैं, आप 2 मिनट नहीं लगाएंगे, आप उसी टाइम शिफ्ट कर जाएंगे, कारण कि आपको कारण पता चल गया कि आपने शिफ्ट क्यों करना है। सेम थिंग हैपन इन दिस बिजनेस। जब आपसे कोई आप शिफ्ट कब किया आपने, जब आपको क्लियर हो गया कि यहां पे यार प्रॉब्लम है, इस जगह पे यार प्रॉब्लम है। अब जिस किसी के पास भी आप मोदी केयर का बिजनेस लेके जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लेके आ जाते हैं, उसको आप सीधा कहते हैं सर इस बिजनेस में एंटर हो जाइए, तो सामने वाला बंदा कहता है यार मैं इस बिजनेस को क्यों चुनूं जब मैं अच्छी खासी जॉब में हूं, मेरे को क्या जरूरत है इस जॉब से उस जॉब में जाने के लिए, मैं क्यों जाऊं। तो लेकिन जब आप दूसरी सिचुएशन में कहते हैं, जब बंदा कंफर्टेबली होकर बैठा है, सर ये बिजनेस अच्छा है लेकिन उसको क्या है कि मैं अपनी जॉब में बढ़िया कंफर्टेबली बैठा हूं, वही थर्ड एसी से फर्स्ट एसी में शिफ्ट होना, क्या जब मैं बढ़िया तरीके से इसमें बैठा हूं तो मैं क्यों शिफ्ट हूं? यानी कि सामने वाले को आप लग्जरी लाइफ भी दिखा दोगे तब भी चांसेस कम है कि सामने वाला शिफ्ट कर जाए, यानी कि उसको बेटर लाइफ के सपने दिखा सकते हो, तो हो सकता है 10-20% लोग शिफ्ट कर जाए उस थर्ड एसी से फर्स्ट एसी में, यानी कि जॉब से बिजनेस में, अपनी करंट प्रोफेशन से नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में। लेकिन ज्यादातर केसेस में लोग शिफ्ट नहीं करते क्योंकि उनको ये है कि मैं यहां पे कंफर्टेबली बैठा हूं, आगे रिस्क है, पता नहीं ऐसा सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं जहां पे मैं नेक्स्ट शिफ्ट करूंगा वहां पे कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ऐसे लोगों के अंदर वहम है। लेकिन अब थर्ड एग्जाम्पल में क्या था कि हमने कहा सर आप थर्ड एसी से स्लीपर क्लास यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाइए, तभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि यार मैं क्यों शिफ्ट हो जाऊं। यानी कि कई बार हम क्या कहते हैं सर आप अपना जॉब आपका बहुत बढ़िया है, ये छोटा सा बिजनेस कर लो, मतलब कि अपने जॉब के साथ ये छोटा सा बिजनेस कर लो, जब ये उसको सामने वाला ये बंदा सोचता है कि छोटा सा बिजनेस है तब भी वो शिफ्ट क्यों करेगा, ठीक है। लेकिन फोर्थ एग्जाम्पल में हमने क्या कहा कि सर ये जो डिब्बा है इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स जो आपके अभी आप जिनके साथ घूम रहे रहते हैं उनको खतरा हो सकता है, आप प्लीज नेक्स्ट डिब्बा है वो स्लीपर क्लास है, पैसेंजर क्लास है, प्लीज उसमें शिफ्ट हो जाइए कि अकेले आपकी फैमिली का नुकसान ना हो जाए, तब वो बंदा इमीडिएटली शिफ्ट कर जाएगा। यानी कि अगर आप उसको दिखा दें कि आपकी जॉब में क्या परेशानी है, आप जो प्रोफेशन चुने हैं उसमें क्या परेशानी आ सकती है, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी की टेंशन है, वहां पे आपका नुकसान हो सकता है, अगर आप उसकी करंट जॉब का कहीं आप उसको एग्जांपल देके, मतलब उसको बुरा भी ना लगे, और आप उसको समझा दें कि आपके जो करंट प्रोफेशन है जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ये परेशानी आ सकती है, आपका फ्यूचर और आपकी फैमिली का फ्यूचर खतरे में है, तो बंदा इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएगा, बंदा कहेगा कि हाँ मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे अपनी जॉब के साथ अपने बिजनेस के साथ कर सकता हूं। यानी कि करना क्या है, किसी को अच्छे सपने दिखा के जब बंदा नहीं आ रहा,
यानी कि वो नहीं जाना चाहता थर्ड एसी से फर्स्ट एसी में, तब क्या करना है, तब उसको करंट जॉब के डिमेरिट्स बताने कि सर अब आप जिस जॉब में काम कर रहे हैं, लेकिन ये अगला बंदा हर्ट ना करे। देखिए हर बंदे को अपना काम अच्छा लगता है, हर बंदे को अपना काम प्यारा है, मेरे को अपनी जॉब बहुत अच्छी लगती है, राइट। तो हर बंदे, लेकिन ये किसी को दूसरे तरीके से उसको बताना कि सर इस जॉब में ये परेशानी है, एक्सेल नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं है, बढ़िया नहीं है हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, कल को इनकी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, बच्चों की बढ़िया लाइफ, बच्चों के ट्रिप्स। जब आप ये सभी बातें बोलेंगे कि आपका फ्यूचर इसमें सिक्योर नहीं है, आपको एक और बिजनेस साथ में जोड़ना है, तब डेफिनेटली सामने वाला बंदा मूव कर जाएगा आपके बिजनेस में। यानी कि सामने वाला बंदा आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कब करेगा, जब उसको ये क्लियर होगा कि जो काम मैं आज कर रहा हूं इससे कुछ नहीं हो सकता, और जब उसको यहां तक एहसास होगा कि इस बिजनेस में जो मैं अभी कर रहा हूं इससे कुछ नहीं बनेगा, मेरे को शिफ्ट करना है, तब डेफिनेटली बंदा आपके बिजनेस में आएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से आपने हॉट बटन दबाने हैं कि सामने वाला बंदा शिफ्ट करने में मजबूर हो जाए। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं वो नेक्स्ट वीडियो आपसे छूट ना जाए, और इस बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।